आशिकी आशिकी आशिकी। जीना चाहते फिर तो जीने का बस एक ही तरीका कि मैं अपना सहारा खुद बनूं। अनीता शर्मा, अनीता शर्मा, भाई साहब, भाई साहब, कहां हैं आप? यहां आइए भाई साहब। क्या हुआ, क्या हुआ प्रणय? यही तो मैं पूछ रही हूं भाई साहब। क्या हुआ है पंक्ति को? कहां है पंक्ति? मैं पंक्ति को गायब क्यों करूंगा? अरे मैं तो खुद उसे इस घर में लेके आया था, उसकी और आहान की शादी करवाना चाहता था। क्या पता तुम्हारे अंदर क्या चलता है? तुम जो करते हो क्यों करते हो? इतने सालों से अपनी करतूतें छिपाते आ रहे हो, क्या पता आज भी इसलिए अच्छे बन रहे हो ताकि तुम्हारी गंदी करतूत पे हमारी नजर ना पड़े। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, हाँ मुझसे गलती हुई है, तुम ही बताओ मैं तुमसे माफी कैसे मांगू? तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पंक्ति के गायब होने में ना मेरा कोई हाथ नहीं है। तो किसका हाथ है? आपने तो कहा था ना हमें मिलवाओगे, हमें एक करवाओगे, तो फिर क्या हुआ? बहुत पावरफुल है ना आप, तो मिलवाओ, लाओ पंक्ति को मेरे सामने। मैंने तो पूरी कोशिश की थी आहान, लेकिन मानव की बातों के बाद वो बेचारी रुक नहीं पाई, घर छोड़ के चली गई। छोड़ के नहीं गई है, किडनैप करवाया गया उसे। समझे? किडनैप। क्या करूं मैं? कहां ढूंढूं उसे?
कहां पे जाके आवाज लगाओ कि वो मेरी आवाज सुन ले। आप बताइए बड़ी माँ कहां जाऊं? बता विक्रम कहां पे जाके आवाज लगाओ उसे कि पंक्ति आ जाओ और वो मेरी आवाज सुन ले। पुलिस के पास जाऊंगा। कहीं पुलिस के पास शायद वो और खतरे में ना पड़ जाए। मैं कहां जाऊं, कहां ढूंढूं उसे? पापा 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 प्लीज 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 पंक्ति को वापस ले आइए पापा प्लीज। आप तो इतने इंटेलिजेंट हो ना पापा, इतने सेंसिबल हो, आपने हमेशा सही डिसीजन दिया। प्लीज प्लीज पंक्ति को वापस दो। और आपकी वजह से गई है ना पंक्ति, तो आप ही वापस लेके आओगे पापा। प्लीज प्लीज पंक्ति को वापस ले। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। आप बोलोगे म्यूजिक छोड़ दो, मैं म्यूजिक छोड़ दूंगा। प्लीज पापा प्लीज। आहान आहान कंट्रोल योरसेल्फ। मैंने जो कुछ किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। नहीं किया आपने मेरी भलाई के लिए कुछ। अगर आपको मेरी भलाई की परवाह होती तो आप उसे कभी जाने ही ना देते। मैं भी उस दिन सभी से यही कह रहा था कि पंक्ति को जाने नहीं देना चाहिए, उसे सजा नहीं देनी चाहिए, उसे जिंदगी जीने का एक मौका देना चाहिए। तो फिर दिया क्यों नहीं? क्यों नहीं रोका उसे? क्यों जाने दिया? मैंने बहुत कोशिश की आहान पर बेल हो गए। क्या फायदा हुआ आपके फैमिली के हेड होने का? क्या फायदा हुआ इतने पावरफुल होने का? कभी आजाद नहीं होती। ये बात मत भूलना, तू एक रखनी है और सारी उम्र रखनी ही रहेगी। आपने तो कहा था ना हमें मिलवाओगे, हमें एक करवाओगे, तो फिर क्या हुआ? तुम मिलवाओ, लाओ पंक्ति को मेरे सामने। पूरी फैमिली के साथ मैं अकेला क्या करता हन? उस दिन भी मैंने पंक्ति की तरफदारी की थी, आज भी कर रहा हूं। मेरी क्या गलती है? क्या गलती है? क्या गलती है? आपने पंक्ति का वो हाल किया जिसकी वजह से सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आपने पंक्ति को वो नाम दिया जिसकी वजह से कोई अपना नाम उसके साथ नहीं जोड़ सकता। आपने पंक्ति का पास इस कदर बिगाड़ दिया कि वो म्यूजिक की तरफ कदम भी नहीं बढ़ा सकती। और आप मुझे क्या करती है? वो अनीता शर्मा ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि मुझे पंक्ति को अपनी रखनी।
आज के बाद ये नाम मत लेना। पता है कितनी तकलीफ होती है जब मेरी पंक्ति के बारे में कोई बोलता है। आज के बाद कोई ये वर्ड नहीं यूज करेगा। और आप पे भरोसा करने की गलती मैं फिर से नहीं करूंगा। मुझे पता है कि आपकी वजह से सब कुछ होता है। आपके कहने पे होता है और ये भी आपके कहने पे हुआ है। बताओ भक्ति का है, बताओ बताओ भक्ति का है। गुरुजी, जीती रहो। एक होनहार शीशक की वीणा की तार टूट जाए उसका एक ही मतलब होता है कि उसका संगीत से रिश्ता टूट गया। बहुत देर तक संगीत से दूर रहना गुरुजी, इसीलिए संगीत से सुर हिल गया और जिंदगी से भी, है ना? कहाँ थी इतने साल? यही मुंबई में थी। खुश हो? किसी ने खुश करने की कोशिश की थी गुरुजी, तो मैं उसके हर दुख का कारण बन गई। अब मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ गुरुजी, जिससे मैं औरों को खुशी दे सकूं। तो सही जगह पर आई हो। तो संगीत जो बुझे हुए दिए को जला देता है, क्या वो बुझी हुई जिंदगी में रोशनी नहीं ला सकता? तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे, सारे दाग दूर हो जाएंगे। संगीत की पहुंच बहुत ऊपर तक है, ईश्वर तक उसकी सिफारिश जाती है। मैं भी जानना चाहती हूँ कि पंक्ति कहाँ है मेरी बेटी। कब से पूछ रही हूँ कहाँ है मेरी बेटी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उसे बेटी कहने की? जो माँ अपनी बेटी को पूंजी माने उसे बेटी कहने का कोई हक नहीं है। तो अपनी बेटी को कोई हक नहीं दे सकती, उसे दुनिया भी कोई हक नहीं देगी। तो अपनी बेटी को चीज की तरह इस्तेमाल करती है, बेचती है, उसे दुनिया इंसान होने का दर्जा कभी नहीं दे सकती। सब तुम्हारी गलती है। बताओ कहाँ है पंक्ति, बताओ। मैंने थोड़ी किडनैप करवाया उसे, मेरी बेटी है वो, मेरा खून है। अगर मैं उसे किडनैप करवाती तो मैं यहाँ थोड़ी होती। झूठ, सब झूठ। तुमने ही भक्ति को किडनैप करवाया, मुझे पता है। बताओ क्या है वो, बताओ भक्ति का है। आहार! Thank you.
चुकी है, तुम्हारी पंक्ति मर चुकी है। आहान, विक्रम उठाओ इसे, कमरे में लेके चलो। क्या हो गया? ठीक से? मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ, तुम घबराओ मत। हाँ कौन सा राग था ये? राग अलिया बिलावल। शाबाश। जिस बेचैनी से तुम यहां आई हो ये सारी बेचैनी दूर कर देगी। मैं जानता था कि एक बार जो संगीत से जुड़ जाए वो संगीत से भले ही कितना दूर हो जाए पर संगीत से दूर नहीं हो सकता। गुरुजी, मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहा। पर मुझे है। तुम जब भी कुछ कहना चाहती हो तो कहते कहते रुक जाती हो, तो मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ मांगना चाहती हो पर शर्मा रही हो। बोलो क्या चाहिए? क्या आप मेरी काम ढूंढने में मदद कर सकते हैं? कुछ भी गुरुजी, जैसे पार्टी में गाना, कोई भी जिंगल्स या फिर ऐसा कुछ भी। और कोई तो है पर ज्यादा तो नहीं, पर कुछ मदद कर सकता है हमारी। थैंक यू गुरुजी, अब तक लग रहा था कि खोई हुई हूं, अब ऐसा लग रहा है जैसे रास्ता मिल जाएगा। मैं रियाज कर सकती हूँ? जरूर। पंक्ति। जी गुरुजी। गुरुजी चॉकलेट, आप अब भी, आपको तो डायबिटीज थी ना। चलो जाओ। पंक्ति को? अरे नहीं जैन साहब, मैं इतनी पागल भी नहीं हूँ कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की जान ले। उसे बचाने के लिए तो हम उसे यहाँ लाए थे, क्योंकि पता था कि बाहर खतरा है। ना फोन उठा रही है ना कॉल बैक कर रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है मोंटी जी। क्या जरूरत थी उसे कहीं जाने की? कहीं उसे किसी ने देख लिया तो? किसी ने पकड़ लिया तो? मेरा गला पकड़ा हुआ था उस आहान ने। अगर 10 सेकंड और वैसे रहती ना तो मेरी जीभ बाहर आ जाती, यही पड़ी होती। तो इसलिए तुमने झूठ बोल दिया कि पंक्ति मर गई? मुझे लगा था सदमा लगेगा और मेरा गला छोड़ देगा। अगर पंक्ति को तुमने किडनैप नहीं किया है, मैंने नहीं किया है, तो फिर किसने किया है? जैन साहब, वही तो आपको पता लगाना है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में वो कौन सा बंदर था जो पंक्ति को ले गया। चुप, सोचने दो मुझे कि वो कौन हो सकता है। आप प्लीज चिंता मत कीजिए। देखिए पंक्ति जी छोटा है लेकिन बहुत ही सियाना है। वो जहां कहीं भी क्या होगा ना, बहुत सोच समझ के क्या होगा, और खुद से किसी मकसद से। पर कहां? अरे हम बिजनेसमैन है, पंडित थोड़ी है। हाँ लेकिन
इतना यकीन से कह सकता है कि वो जहां कहीं भी गया होगा ना, फायदे का ही सौदा करेगा, नुकसान का नहीं। फाइन, इन्हें कुछ हुआ था क्या? मतलब कोई शौक या गहरा झटका लगा है? क्या है कि इनकी विल पावर खत्म हो गई है, अदरवाइज हार्ट बीट, पल्स रेट सब कुछ नॉर्मल। हमें इन्हें कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। किसी भी चीज का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ऐसा लगता है कि ये जिंदा तो है फिर भी जिंदा नहीं।